आफ्टर डैट ईगो हर्ट हो गया था, तो मैंने बहुत हल्के में स्टार्टिंग में ले लिया था कि ये तो सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा, इतना आसान होता नहीं जितना सोचते हैं। और आपके जो भी नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले दोस्त होंगे वो सारे मजे मारेंगे 11th क्लास से, पर लेकिन आपको उनको देख के डीमोटिवेट नहीं होना है। आपको ये देखना है कि आप एक्चुअली बहुत ही एक लंबे माउंटेन को स्केल करने वाले हो, और आई थिंक द बेस्ट व्यू वुड बी फ्रॉम द टॉप, बिकॉज आई एम एक्सपीरियंसिंग दैट एंड यू वुड आल्सो एंजॉय दैट टू। एंड मुझे गड्ढे का नींद नहीं है कि मुझे पूरा सिलेबस रिवाइज करना है और मैं कैसे करूँगा, तो उस दिन मैं सो नहीं पाया। अगले दिन मेरे दोस्त जब मुझे देखे तो वो बोल रहे थे कि तू सोया नहीं, आज तेरी आंखें बुरी लाल है। एंड मुझे पता था कि टेस्ट खराब जाने वाला है। फर्स्ट ईयर में यही होता है, बहुत सारे कपल्स मिलते हैं, फिर फाइनल ईयर में बहुत सारे कपल्स टूटते हैं, उसके बीच में स्वैप होता रहता है। एक चीज मैं तुमसे चाहता हूँ वो ये है कि तुम कंसिस्टेंट रहो, क्योंकि जब तुम अपने प्रिपरेशन की स्टार्टिंग फेज में रहोगे तो तुम देखोगे कि तुम मेहनत एफर्ट डाल रहे हो लेकिन आउटपुट नहीं निकल रहा। इसका सबसे बड़ा रीजन है ड्रास्टिक चेंज इन पैटर्न। जो तुम 10th में सब्जेक्टिव पढ़ रहे थे वो 11th में आके पूरा मल्टीपल चार्ज हो जाएगा, तो उससे डरना नहीं है। थिंकिंग की चलो एंड में कर लेंगे, बट देन आई जस्ट गॉट एन आइडिया बाय माय सीनियर दैट कि आप साथ साथ में OMR फिल करना शुरू कर दो, बिकॉज एंड के मोमेंट्स में आपकी प्रैक्टिस नहीं रहती है OMR फिल करने की। तो आप 6:40 से 10 तक हम ये बात कर रहे थे, और 10 बजे एक पीछे हमारे एक सीनियर बैठे हुए थे, तो हमें नहीं पता थी ये बात, और वो हमसे पूछते हैं कि क्या तुम लोग IMS के स्टूडेंट हो। बहुत ज़्यादा बढ़िया, थोड़े घबराहट तरीके से किया। एंड उसके बाद उन्होंने हमने पूछा हाँ आप कौन है, उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, और वो लिटरली हमारी 6:40 से लेकर 10 तक जो भी बात हो रही थी वो सब सुन रहे थे।